स्वागत है मेरे आज के सेगमेंट में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो विषय अपने आप में काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, साथ में विवादग्रस्त भी रहा है, यानी विवाद से भरा रहा है। बात उस समय की है जब 1975 के दशक में, यानी 1975 ईस्वी में एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 1975, तब लोगों को पता चला कि ऐसा कोई विषय, ऐसी कोई बात और ऐसी कोई चीज़ जो समाज में विघटन का कारण बन रही है, वो थी तलाक का विषय, जो कि एक वर्ग विशेष और समाज से था, जिसे लोग आज बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ट्रिपल तलाक, यानी तीन तलाक। अब ये तीन तलाक क्या है, ये मामला 2019 में चरम पे हुआ जब तत्कालीन सरकार ने इसके संबंध में एक बिल पेश किया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2019, मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम। इसके पीछे तर्क ये था, इसके पीछे तर्क 1975 की वो एक घटना थी। आपको मैं बताना चाहूँगा, ट्रिपल तलाक सबसे पहले चर्चा का विषय बना 1975 में, जब मोहम्मद अहमद खान नाम के एक व्यक्ति ने अपनी 63 साल की विवाहिता को अपने घर से निकाला, जिनकी उम्र 63 साल की थी और उनके 5 बच्चे थे। अब जब 1975 में शाहबानो को उनके पति ने अपने घर से निकाला, तब लोगों ने जाना कि तीन तलाक भी कोई मुद्दा होता है, या तीन तलाक जैसी कोई चीज़ भी है। अब तब जब मामला लोगों तक आया, तब तत्कालीन समाज में लोग अपने अपने हिसाब से इसके बारे में व्याख्या करते रहे। ये मामला काफ़ी लंबा चला, 1978 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। मामला क्या था, जब 1978 में तीन तलाक देकर उनके हस्बैंड ने उनसे विवाह विच्छेद कर लिया। तलाक देना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन तलाक देने के पीछे ग्राउंड्स क्या हैं, वजह क्या है, और तीन तलाक देना कितना सही है, इस पे भी बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा इस बारे में भी। तो ये मामला था, आप लोग नोट आउट कर लीजिए, ये जो लॉ स्टूडेंट हैं उनके बहुत ही काम आने वाला है ये। वर्सेस शाहबानो। अब शाहबानो की मांग ये थी कि उन्हें गुजारा भत्ता दिया जाए, जो कि 125 CRPC के अंतर्गत भारतीय संविधान ने हर विवाहिता को ये अधिकार प्राप्त किया है कि वो अपने पति से अपने जीवन के लिए, पालन पोषण के लिए, मेंटेनेंस के लिए गुजारा भत्ता प्राप्त करें। अब जबकि शाहबानो के पास कोई विकल्प मौजूद नहीं था, 63 साल की महिला कहाँ जाएगी 5 बच्चों के साथ, तो उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और 125 CRPC के तहत मांग की कि उन्हें गुजारा भत्ता दिया जाए। तब उस वक्त के तत्कालीन मजिस्ट्रेट ने 19 रुपये मासिक गुजारा भत्ता स्वीकृत किया। इस पर उनके जो हस्बैंड थे वो अपर कोर्ट में गए और 125 CRPC के तहत दिए जाने वाले गुजारा भत्ता को गैर इस्लामिक और शरीयत के ख़िलाफ़ बताया।
इस तरीके से मामला आगे बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक गया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो तत्कालीन न्यायमूर्ति श्री कृष्ण अय्यर साहब ने दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद ये नतीजे में आए कि शाहबानो को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए और शाहबानो के फेवर में जजमेंट दिया। अब सही कहानी तब शुरू हुई, तब बात हुई उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने संसद में एक बिल पारित किया और उस बिल के तहत ये प्रोविज़न हुआ जो जजमेंट श्री जस्टिस कृष्ण अय्यर साहब ने दिया था वो इनवैलिड हो गया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि तीन तलाक के फेवर में कई धर्मगुरु थे जो उनका कहना था कि हाँ ये हमारे शरीयत में मदाखलत है यानी हस्तक्षेप। अब बात ये आई क्या तीन तलाक शरई कानून के तहत जायज़ है या भारतीय कानून में ऐसी कोई व्यवस्था है कि कोई एक झटके में तीन तलाक देकर अपनी पत्नी से विवाह विच्छेद कर सकता है। मामला 2019 का आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बिल पेश किया भारतीय संसद में जिसमें तीन तलाक को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मतलब क्रिमिनल एक्ट बताया जो कि अपने आप में पहले सिविल मामला था, यानी इसको सिविल के दायरे में रखा गया था, पनिशेबल एक्ट नहीं था, ये नॉट अ पनिशेबल। अब ये क्या हो गया? क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। अगर कोई इस तरीके का कार्य करता है तो क्या होगा? उसे 3 साल की सजा होगी, 3 इयर्स। अब ये बात हुई तीन तलाक की। अब क्या मुस्लिम लॉ और एंड शरिया इसकी इजाज़त देता है? अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ ट्रिपल तलाक इज वैलिड, बट नाउ 2019 मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस नाउ, सो वी लेट मी कंसिडर दैट वी हैव टू फॉलो द रूल फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन गवर्नमेंट। देन यू हैव टू नो दैट whether Muslim law and the Indian law what says about the talaq. Talaq is not a punishable act when it has been given in 3 phase. यानी कहने का मतलब यह है अगर तलाक 3 मरहले में दिया जाता है तो वो गैर कानूनी नहीं है, और इस्लाम में भी ये कहा गया है कि आप जल्दबाजी ना करें, 3 तलाक का इस्तेमाल ना करें, हर 1 महीने के गैप के बाद 1 तलाक दें, उस हिसाब से 3 तलाक का प्रोविज़न है। अब अगले सेक्शन में हम आपको बताएंगे क्या ट्रिपल तलाक मुस्लिम लॉ में क्या कहता है और भारतीय संविधान इस बारे में क्या कहती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।